हाय, वेलकम टू एप्सकॉर्ड्स एजुकेशन एंड आई एम योर होस्ट प्रोफेसर। आज हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बात करने जा रहे हैं और आपके सारे जो मिथ्स हैं माइंड के अंदर वो सारे इरेज करने वाले हैं। आपको बताएंगे डिजिटल मार्केटिंग है क्या, बिल्कुल डीप डाइव करके आपको ये बताएंगे कि ये डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर प्रूफ है या नहीं, क्या आपको इसके अंदर करियर बनाना चाहिए, क्या आपको इसके अंदर जॉब्स मिलेंगी इन फ्यूचर। ये सारे क्वेश्चंस आपको आज क्लियर करने वाले हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जांपल पे। मान लीजिए कि आपको एक मोबाइल चाहिए 20,000 के अंदर, राइट? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे मोबाइल अंडर 20,000। ना कि आप एक किसी शॉप पर्टिकुलर शॉप पे जाएंगे और उससे कहेंगे कि भैया मुझे आप 20,000 के अंदर का मोबाइल दिखा दीजिए। और आपको ये भी पता है कि इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे एज कंपेयर टू द शॉप। सो गाइस यही जन्म होता है डिजिटल का। डिजिटल का मतलब है ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर अगर आप हैं, दिस इज कॉल्ड डिजिटल। अब ये भी आपको पता है कि मार्केट के अंदर कोई एक कंपनी नहीं है मोबाइल की, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपना 20,000 के अंदर बेस्ट मोबाइल कह के सेल कर रही है। तो गाइज अब उनको भी पता लग गया कि आप सर्च इंजन पे सर्च कर रहे हो, गूगल पे जाके सर्च कर रहे हो क्योंकि आपको मोबाइल बाय करना है। तो वो क्या करेंगे, अपने मोबाइल का प्रचार करेंगे, ऐड करेंगे गूगल के ऊपर कि आप हमारा मोबाइल खरीदिए, हमारा मोबाइल 20,000 के अंदर सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे जन्म होता है मार्केटिंग का। जब आप कोई भी चीज इंटरनेट पे कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिजिटल। और जब कोई वहां पे आपको ऐड दिखा रहा है, प्रमोशन कर रहा है अपनी सर्विस का, अपने ऐड का, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। तो ये मिल गया आपको डिजिटल मार्केटिंग। गाइस बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या डिजिटल मार्केटिंग हमें एज अ करियर परस्यू करना चाहिए या नहीं, क्या हमें इसमें जॉब्स मिलेंगी या नहीं, क्या ये फ्यूचर प्रूफ है या नहीं है, क्या ये फ्यूचर में काम आएगी या नहीं। और गाइस बहुत लोगों का मानना है कि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ही छोटी है, लेकिन नहीं गाइज, मैं आपको बता दूं डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री 68 बिलियन डॉलर्स की है। कितनी? 68 बिलियन डॉलर्स, मतलब 5,00,000 करोड़ रुपए की मार्केट है। और अभी ये ग्रो कर रही है, अभी बूमिंग हो रही है और आगे आने वाले टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा मार्केट कैप लेने वाली है। और आपको मैं बता दूं कि आप इसे डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर भी ले सकते हैं, आपको जॉब्स भी मिलने वाली है, इसको फ्यूचर प्रूफ इंडस्ट्री भी सकते हैं। सो होप गाइज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए अच्छी है या नहीं, आपको उसको परस्यू करना चाहिए या नहीं। सो गाइज लेट्स जंप टू द अनदर पॉइंट। तो गाइज एक पिक्चर आपके सामने है यहाँ पे और आप देख सकते हैं 69% सर्च इंजन। अब इसका मतलब क्या है गाइज, अगर आप कोई भी चीज लेते हैं या प्रोडक्ट बाय करते हैं या कि कोई भी सर्विस आप बाय करते हैं तो उससे पहले 69% लोग दुनिया में ऐसे हैं, 69% लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो सर्च इंजन पे एक बार जरूर सर्च करते हैं। समझ में आपके मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगर दुनिया में सिर्फ 100 लोग हैं उसमें से 69 लोग सबसे पहले इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि क्या वो सर्विस सही है या नहीं, उसके रिव्यूज चेक करते हैं कि क्या उसके रिव्यूज पॉजिटिव हैं या नहीं, उसकी रेटिंग्स चेक करते हैं कि क्या वो सही है या नहीं, क्या वो अच्छे हैं या नहीं, या हमें सर्विस बाय करनी चाहिए या नहीं। सो गाइस नेक्स्ट लेवल पर चले तो 71% लोग इन्फ्लुएंस होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, जैसे कि फेसबुक, जैसे कि ट्विटर, जैसे कि इंस्टाग्राम, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 71% लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कहाँ जा रहा है। 69% लोग सर्च करते हैं कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से, सर्विस बाय करने से पहले सर्च इंजन पे, और उसके बाद 71% लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सोशल मीडिया से और आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय कर रहे हैं। सो दिस इज द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो लेट्स गो अहेड। सो अब समझते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है जब इंटरव्यू में जाते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली है क्या, कहते किसे हैं, अगर इसकी डेफिनेशन बताई जाए तो क्या है। इसकी डेफिनेशन है गाइस द मेथड्स एंड टेक्निक्स you use to promote a product or service online are known as digital marketing. वो methods और techniques जो आप use करते हैं अपनी product and services को promote करने पे, अपने product और service को promote करने में, that is called digital marketing. ये जो पूरा process है, यानी कि आप कोई भी method या technique को use कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने में इंटरनेट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड
डिजिटल मार्केटिंग। लेट्स हैव अ एग्जांपल, कि एग्जांपल लेते हैं, वी एसेंशियली टॉक अबाउट बिल्डिंग अवर बिजनेस प्रोमिनेंट ऑन वेरियस डिजिटल चैनल्स एंड चैनल्स इंक्लूड सर्च, सोशल, वीडियो, ईमेल एंड डिस्प्ले। तो गाइस, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अगर अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, तो गाइस आपके पास काफी सारे डिजिटल चैनल्स हैं, ठीक है, डिजिटल चैनल्स हैं, जैसे कि आपके पास हो गया सर्च इंजन, सोशल मीडिया, वीडियो जैसे यूट्यूब, ईमेल मार्केटिंग एंड डिस्प्ले एप्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अपने बिजनेस को बनाने के लिए करते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल है डिजिटल मार्केटिंग का। तो गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आ गए हम मार्केटिंग के ऊपर। अब मार्केटिंग को समझते हैं पहले। अब हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग को हम समझ गए कि हम डिजिटल मार्केटिंग है क्या, लेकिन अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि हम उसे डीप डाइव करके समझेंगे बेसिकली है क्या। तो अब मार्केटिंग को समझते हैं। मार्केटिंग का मतलब अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ, मैं काफी कॉलेजेस में जाता हूँ, वहाँ पर सेमिनार्स करता हूँ, तो वहाँ पर मैं पूछता हूँ व्हाट इज मार्केटिंग, तो वहाँ पर बच्चे हाथ खड़े करके कहते हैं कि सर सेल, अपने प्रोडक्ट को सेल करना कहीं भी, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। बट नहीं, मार्केटिंग का मतलब सेल्स नहीं होता है, सेल्स नहीं होता है, रिमेंबर दिस ऑलवेज। आपको किसी ने बताया कि मार्केटिंग का मतलब सेल्स होता है, लेकिन मार्केटिंग का मतलब सेल्स नहीं होता है, ये आप अपने माइंड में गांठ बांध के रख ले। सो गाइस, अब क्या है, हमारे पास आता है ट्रेडिशनल वे। अब ट्रेडिशनल वे क्या था हमारे पास पहले मार्केटिंग का, जब डिजिटलाइजेशन नहीं था तो पहले क्या करते थे, ट्रेडिशनल वे से मार्केटिंग करते थे, जैसे कि न्यूज़पेपर एड्स, न्यूज़पेपर में हम एड्स देते थे लाइक दिस, ठीक है, न्यूज़पेपर में एड्स देते थे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एड्स वहाँ पे आते हैं, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिलेटेड हो, न्यूज़पेपर में एड्स आते हैं और आज भी आते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं पैम्पलेट्स। गाइस आपने पैम्पलेट्स देखी होंगी, कहीं आप इंस्टीट्यूट जाते हैं या फिर कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो आपको दिख गया होगा, अरे फ्री कोर्स करें, ठीक है, बहुत सारे एड्स आपको पैम्पलेट्स के रूप में दिख जाएंगे मार्केट के अंदर, राइट। और पहले फोन कॉल्स भी ज़्यादा हुआ करती थी, राइट, कि सर हम इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहे हैं और आपकी ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्या आप लेना चाहेंगे, तो हम वैसे फ्रस्ट्रेट होकर कह देते नहीं सर हमें नहीं चाहिए, हम तो अभी बच्चे हैं, हमें क्या इंश्योरेंस की ज़रूरत है। तो गाइस दीज आर द काइंड्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। बट क्या हुआ, डिजिटल आया, डिजिटल ने सारी कहानी चेंज कर दी। सो गाइस अब बात करते हैं कि मार्केटिंग का मतलब क्या है। मार्केटिंग का मतलब सेल्स तो नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केटिंग का मतलब है कि आप एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, आप एक एनवायरमेंट बना रहे हैं जिससे कि पर्सन, सामने वाला पर्सन या कस्टमर कन्विंस हो पाए आपके प्रोडक्ट और सर्विस से, वो आपका प्रोडक्ट और सर्विस बाय कर ले, यानी कि कन्विंस हो जाए। सीधा डायरेक्ट सेल नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, डायरेक्ट सेल नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, कह रहा हूँ कि आप एक एनवायरमेंट बना रहे हैं, क्रिएट ऐसा एनवायरमेंट कर रहे हैं जिससे सामने वाला पर्सन या कस्टमर कन्विंस हो जाए कि यस ये प्रोडक्ट और सर्विस मेरे लिए राइट है। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले मार्केटिंग का मतलब क्या है और पहले ट्रेडिशनल वे में कैसे मार्केटिंग हुआ करती थी। सो गाइस अब हम समझते हैं कि डिजिटल क्या है। तो डिजिटल का मतलब है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वाया इंटरनेट, गाइस जितनी भी सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर हैं, ओवर द इंटरनेट जो भी चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड डिजिटल। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक एंड सो ऑन। सो गाइस हर एक पर्सन और आप कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। जैसे कि आपके पास लैपटॉप है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपके पास डेस्कटॉप है, वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, आईपैड है, वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, इवन स्मार्ट वॉच है, वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। सो गाइस कोई कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्टेड जरूर है। सो इसीलिए अब सोशल मीडिया यहाँ पे आपके पास है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आप कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे। सो गाइस अब आगे आ जाते हैं डिजिटल के अंदर, सर्च इंजन जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हो गया, आप तो जानते होंगे इसके बारे में, कहने की कोई मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ गया ईमेल। तो ईमेल मार्केटिंग आप समझते हैं, जैसे कि आप गूगल ड्राइव का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो एक स्टोरेज चीज़ की हो गई, मेल आपके पास आता है, बहुत सारी चीज़ें, राइट, एंड सो ऑन। एंड उसके बाद ऐप्स आ गई हैं, एंड उसके बाद मोबाइल यहाँ पे आपके पास आ गए हैं, मोबाइल के अंदर आपके पास बहुत सारी सर्विसेज आ गई हैं, राइट, एंड ब्राउजर्स, राइट, ब्राउजर्स आप यूज़ करते होंगे जैसे क्रोम,
एज मोजिला फॉक्स ओपेरा एंड सफारी एप्पल वाले सफारी यूज करते हैं वो एप्पल की सफारी करते हैं ठीक है. सो दिस ऑल द थिंग्स कम्स इन डिजिटल. सो गाइस अब समझ में आया आपको कि मार्केटिंग का क्या मतलब था एंड डिजिटल मार्केटिंग का क्या मतलब है. तो गाइस अब कंबाइन करके आप देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब आप एक प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट करते हैं ओवर द इंटरनेट दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग. तो गाइस अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. हाँ बिना लाइक करे मत जाना एंड ऐसे ही आगे मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूंगा. और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हैं. टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.